अब तक आपने देखा। भाई बात ये है, जो हमारे गांव में अनाथालय है ना, वहाँ पे अनाज की कमी हो, तो भाई साहब मैंने सोचा कि क्यों ना हम अलावत खानदान की तरफ से हम अनाज जो है अनाथालय को दान में दे दें। अच्छी बात है, और ये कोई साधारण दान नहीं करें भाई। मैं भी सोचता हूँ कि हमारे घर में भी दो दो नई जोड़ियाँ हैं, तो क्यों ना हम राणा, पिंकी, लाखा, कोमल इनका तुला दान करवाएं। जी माँ जी, कुछ काम था, कल पूरा गाँव भर हमारे घर में तुला दान के लिए आने वाला है, और कल तेरे यो भारी भरकम शरीर का वजन होगा, फिर गांव भर में उड़ेगी मारी खिल्ली। जो तुलादान ना है, ये तो मेरे खानदान की जीत का बलिदान है। अब आगे तू मेरी कान खोल के एक बात सुन, अब से लेकर तुलादान तक तू एक अन्न का दाना भी अपने मुंह में ना रखेगी, समझी? पर माँ जी, तुलादान तो कल शाम को से, तब तक कुछ तो खाना पड़ेगा ना। मैंने बोल दिया सो बोल दिया। अरे तुला दान का मतलब तेरे को पता है क्या होता है? पूरे गांव भर के सामने तेरा वजन किया जाएगा, तेरे वजन के बराबर का अनाज दान किया जाएगा। अरे तुझे अपनी इज्जत का ख्याल ना है, कम से कम हमारे खानदान की, हमारे छोरे की इज्जत का ख्याल तो कर। और एक दिन ना खाएगी ना, तो तेरे इस शरीर पे कोई फर्क ना पड़ने वाला। पर सिर्फ खाने से भी ना फर्क पड़ने वाला। एक काम कर, तू पूरे घर का रगड़ रगड़ के झाड़ू पोछा लगा और घर के सारे बर्तन मांज दे, फिर तू ऊपर जा और सारे कपड़े उतार के ले आ। और पर सारे कपड़े इकट्ठे ना लाइयो, एक एक करके, एक बार जा एक कपड़ा लेके नीचे आ, फिर जा फिर कपड़ा लेके नीचे आ। एक दिन पसीना बहा ले, शायद तेरे शरीर पे थोड़ा फर्क पड़ जाए। ठीक से आप जैसा कहोगे मैं भी सही करूंगी, वैसे भी आप तो मेरे भले के बारे में सोच रहे हो। तारे भले का भी और हमारे खानदान के भले का भी। ये बोर कितना रगड़ रगड़ के रसोई को साफ करूं। तू क्या कर रही है यहाँ? जी मैं ऐसे ही आई थी जी। अरे मेरी माँ मरवाएगी क्या? जुड़ के टाइम पे तुझे घर के उठा के ले आया, तेरे तो घर वालों ने सुना सुना के मार डालने का प्लान बना डाला था। ऊपर से तेरे वो मुस्टंडे भाई मार मार के भरता बना देते मेरा। और अगर अब यहाँ हम दोनों को एक साथ किसी ने देख लिया ना, यही अखाड़े में इसी तेजी की समाधि होगी। आ जाना फिर मत्था टेकने। वो मैं बस मेरा मतलब है, योग नया टोटका है मच्छर भगाने का। टोटका ना है वो के कि किसी की बातें चोरी चुपके सुनना तो बुरी बात होती है, पर मैं क्या करूं, आपकी परेशानी सुन के मैं ऐसे रहा ना गया। आपके पास पैसे ना है ना, देश का ऐसा हाल चल रहा है तो अब बैंक से भी पैसे ना निकाल सकते थे, तो मैं चाहती थी मारे से जितना हो सके मैं आपकी मदद कर दूं। जी जी यो आप रख लो जी, प्लीज रख लो आप। अरे अरे छोरी, प्रज्ञा इतनी रात कहाँ जा रही हो? प्रज्ञा तबीयत तो ठीक से, बहुत घबरायू लग रही हो तुम। अरे यार बड़ो भाभी, अब रात को भी मारा पीछा ना छोड़ोगे? जब देखो मेरे से सवाल जवाब करते रहते हो। मारे को प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ, मने जाने दो। प्रज्ञा जी, तेजी जी आओ। हाँ तेजी जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा से कुछ काम था और वो भी इस वक्त, और आपके हाथ में वो लिफाफा क्या है? अरे यार बड़ो भाभी, आप कभी भी किसी से सवाल करने लगती हो, वो हमारे मेहमान है, ऐसे सवाल जवाब ना करते उनसे। ये लिफाफा तेजी जी का हो या क्रेजी जी का, आप
आपने क्या करना? आप अपना काम करो, ठीक है? एक्चुअली मुझको प्यास लगी थी जी, और मेरे रूम में पानी नहीं था, तो प्रज्ञा जी पानी लेने जा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं उनको आवाज मार के पानी मंगवा लूं। आप टेंशन ना लो, मैं भी पानी लाती हूं। ना ना भाभी, मैं पानी पीने जा रही हूँ ना, तो मैं तेजी जी को पानी पिला दूंगी, ठीक है? तेजी जी आप अपने कमरे में जाइए, मैं पानी लेके आती हूँ, ठीक है? थकान के मारे शरीर तो साथ ना दे रहा, इब तो मेरी अंतरात्मा में भी दम ना बचा। ऐसे ही सो जाती सु, कपड़े बदलने की भी ताकत ना है मेरे में। कल भाभी को बताऊंगी कि इतना काम किया और कुछ ना खाया, तो खुशी के मारे उनका हार्ट फेलियर हो जाएगा। सोफे पे तो लक्की जी का सामान फैला हुआ सर, इब मैं कहाँ सो जाऊं? बिस्तर पे सो जाओ। चाची जी ने मैंने आदेश दिया है कि मैं आपने कुछ भी खाने पीने ना दूं। इब अगर आपने कुछ खा पी लिया ना, तो इस घर से मारा दाना पानी उठ जाएगा, और मैं यो ना होने दे सकती हूँ भाभी। ओके है ना, के मारे भी पेट का सवाल है भाभी। इब चाहे इस दुनिया में दूध की बाढ़ क्यों ना आ जाए, पर मैं आपने यो दूध ना पीने दूंगी। मैंने कुछ नहीं खाया, एक बूंद पानी भी नहीं पिए, पर भाई थोड़ा सा दूध पी लेने दे प्लीज। ना भाभी, यो ना हो सकता है, माफ कर दो मारे को। थोड़ा सा पर भाई, तो सब भोलेनाथ की कसम, सिर्फ इतना पी लूंगी मैं, प्लीज। ना 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 भाभी, यो क्या कर रही हो? भोलेनाथ की कसम पर भाई, सिर्फ इतना पीऊंगी। एक घूर रही है छोरी, कभी पहले दूध ना देखा? अरे इतना घूर के देखेगी ना तो दूध खुद फट जाएगा। आप
आप दूध पियोगे? अरे मारने का इरादा है कि? अरे जिस नजर से तूने इस दूध को देखा है ना, पीने वाले की तो हालत खराब हो जाएगी, पर मन ने ये रिस्क न लेना। एक काम कर, तेरा बड़ा मन था ना वो दूध पीने का, अब इसे तू ही कटक जा। और वैसे भी थारी खुद की नजर तो थारे को लगने से रही, और यो दूध अब किसी और के काम तो आएगा नहीं। पता नहीं कौन सी घड़ी में बाबूजी ने तुझे मेरे गले में बांध दिया। जितना पीछे छुड़वाने की कोशिश करता हूं उतनी पीछे आती। जीती रहे। सारे गांव के लोग आई तारीफ करे हैं मेरी बहू की, कितना काम करे। देख गोरे गोरे गाल, लंबे लंबे बाल, हिरनी सी चाल, और तेरी बहू चापी। ले तेरी बहू आ गई, ये भी यहां खड़ी क्यों हो? जाओ गोदाम तक नाज काट गए, यहां ढेर लगा दो। रुको, है ये क्यों रोक रही है? क्यों हो गया? भाभी मैं यूं कह रही थी कि गोदाम से अभी अनाज निकलवाओगे तो फिर यही रखना पड़ेगा, और यही रखना होगा तो फिर साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। कितना गंदा हो रहा है, पुण्य काम के लिए निकाल रहे हैं तो फिर साफ सफाई होनी चाहिए, अशुद्धि ना हो कोई भी। ये मालती कदे कदे तो तू बहुत समझदारी की बात करे, फिर इसमें सोचना की है? चलो दोनों बहु झाड़ू पोछा ठाकर शुरू हो जाओ। इस फरस ने शीशे की ढाल चमका दो, रगड़ रगड़ कर, रगड़ रगड़ कर। भाभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मैंने बड़ों को सब समझा दिया है, यो बड़ो है ना सारा काम कर लेगी, आप परेशान ना हो, है ना बड़ो? ले पिंकी ये चाय तो कमरे में ले आ। चलो भाभी। ये मालती तेरी बहू ने तुझे कौन सा गुलाब जामुन खुआ दी जो इतनी राजी हो रही है तू? देखो गुलाब जामुन देखो, उसकी मिठास देखो भाभी। जी यो ब्रेकफास्ट आपके लिए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच माय लव। यो जो भी गिट पिट अंग्रेजी में आप बोले ना, मारे को कुछ समझ तो ना आया, सुनने में मारे को सहज सा मीठा लगे। ये मारा मतलब है आप हमारे लिए नाश्ता लेके आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, और सारी भी कल सड़क पे मैंने आपसे बड़ी बदतमीजी से बात की। ओह कम ऑन बेब्स, इट्स ओके, एंड यू नो आप ये सॉरी वॉरी बोल के ना मुझको तो बहुत शर्मिंदा कर रही है भाई, एंड थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपने कल सबके सामने सब कुछ सच सच बोल के मेरी जान बचा ली, थैंक यू। जी मैंने क्या किया, जो सच था बस वही बोल दिया। जी सच बोलने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, अगर आप कहो तो एक सच मैं भी कहूं।
जी। सच कहूं तो आप ऐसे बहुत खूबसूरत लगती हो। यू लुक रियली ब्यूटिफुल बाय गॉड। जी जी वो नाश्ता ठंडा हो रहा है, और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। आपके लिए नाश्ता। I had a very strong feeling that you would come. जी, मेरा मतलब है कि मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगी। इसलिए मैं खुद ही। अच्छा जी, वो जो आपने मुझे रात को लिफाफा दिया था ना जी, वो मैं नहीं रख सकता। एक मिनट। पर ये लीजिए। जी यो किसी और के ना, हमारे अपने पैसे हैं। यो मैंने रक्षाबंधन, भाई दूज, यो सब त्योहारों से जोड़े थे, तो मेरे को किसी की परमिशन लेने की जरूरत ना है। यो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यो पैसे आप रख लो। जी मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं जी, मैं ऐसे कैसे किसी से पैसे ले सकता हूँ जी। ना नहीं जी, नहीं। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर देखिए आपने मारी मदद की थी, तो हमारा भी हक बनता है आपकी मदद करने का। यो रखिए आप। नो नो नो, आई कांट एक्सेप्ट दिस। सॉरी सॉरी, प्लीज आप ले लीजिए। रख्या, तू यहाँ? वो भाभी, मैं नाश्ता देने आई थी। मैं चलती हूँ। अरे यो सब छोड़ो दीदी, पहले इधर आओ। आप ये बताओ कि कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। सुन, यो सब तो हालचाल पूछते रहेंगे, है ना? तू एक काम कर, मारे साथ बाहर आ और मारी तुरी हाथ बटा दे, है ना? यो सब टपट खत्म करके बाहर आ जा, माजी ने भी बुलाया तुझे। ठीक है दीदी। हाँ? तो यूं खाया और यूं आया। ना मैं तेजी कर दूंगा सबको क्रेची। हो गया सारा काम? बड़ो आजा आजा छोरे, आजा। खाना वाना खाया या और मंगाऊ? ना ना माजी, खूब सारा खाना खाया आज, गले तक भर गया। बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। अरे असली टेस्टी खाया ही की थे तने। जी मैं खुआऊंगी ना, चने का साग, उस पे अचार, मक्की की रोटी और घी का तोला, सारा का जगह तू केला। वो है ना थरा बम्बई बाजार में, बड़ा पाओ
पिज्जा और वो के बोले बर्गर और वो चाउमीन सारे स्वाद भूल जाएगा अम्बे। ये सुन के तो मुंह में पानी आ गया माँ जी, कब खिला रही हो? पानी आ गया मुंह में, इस पानी ना परे ना थूक और थोड़ा काम में हाथ बटा छोरे चल। अरे माँ जी आइए बैठिए ना, अब बताइए बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। हाय तने नजर ना लगे किसी की, तू तो कतई सोने का छोरा है। सुन बेटा मेरी बात सुन, छोरे वो नाज वाला कमरा दिख रहा है ना, उसमें नाज की बोरी भरी पड़ी है और तू वहां ते बोरी उठा के यहाँ गेर दे मालती। कैसी बात कर रही हो भाभी, घर आए मेहमान से काम कराएंगे के? अपनी बड़ो है ना, यो कर देगी काम, है ना बड़ो? तो जाके ना उस कमरे से अनाज की बोरियां ले आओ, यहां आंगन में रख दे, जा